नमस्कार, मैं के सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि दार्जिलिंग में गोरखा लैंड राज्य की मांग हुई तेज और जीटीए भंग करने को लेकर विमल गुरुंग लिखने वाले हैं पत्र। अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर बंगाल की राजनीति गर्माने लगी है और विमल गुरुंग ने जीटीए को भंग करने की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि भारत में अब नेपाली गोरखा लैंड को बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग में फिर अलग गोरखा लैंड राज्य की मांग तेज होने लगी है और विमल गुरुंग ने विनय तमांग और अजय एडवर्ड ने भारतीय गोरखा लैंड संघर्ष समिति नामक एक नया मंच बनाया है और गुरुंग ने जीटीए को भंग करने की मांग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को पत्र लिखने की भी बात कही है। और दार्जिलिंग में अलग गोरखा लैंड की मांग को बहुत लंबे समय से चल रही है और अब नेपाल को भारत में फिर से मिलने वाली है एक बहुत बड़ी सफलता और नेपाल भारत में गोरखा नाम से एक नया राज्य स्थापित करने वाला है। हमारी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।